करें। अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, जिसकी आज मैं घोषणा भी कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के आस्था एवं स्वाभिमान के खास प्रतीक माने जाने वाले परशुराम तथा अन्य सभी जातियों व धर्मों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर भी बड़ी संख्या में आधुनिक हॉस्पिटल व सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त ठहरने के स्थलों का भी निर्माण कराया जाएगा। और इससे फिर एक तरफ सभी पार्टियों व धर्मों के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसी आगे अन्य और भी भयानक बीमारी के फैलने पर फिर वर्तमान की तरह खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी कुदरत से यही प्रार्थना करती है, कामना करती है कि कोरोना जैसी अन्य और महामारी अब आगे अपने देश में फिर से कभी भी ना यहाँ आए। इसके साथ ही दलित व अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अनेकों महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के बारे में भी यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में चार बार बीएसपी की रही सरकार में इन वर्गों से जुड़े जिन महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर उन्हें आदर सम्मान देने के उद्देश्य से अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही कुछ जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें फिर अधिकांश सपा सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता व द्वेष की भावना के चलते हुए बदल दिया था, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार के बनते ही तुरंत बहाल कर दिया जाएगा। जबकि इनका लिया गया ये फैसला अति शर्मनाक व अति निंदनीय भी था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।